बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे गांव के तरीके से बनने वाली बोंबिल प्याज की चटनी। सूखे बोंबिल की ये चटनी बड़े मज़े की बनती है। आप इसे गेहूँ, बाजरी, जवारी, मकई या फिर चावल की रोटी के साथ भी खा सकते हो। इस टेस्टी चटनी को आप सफ़र में भी ले जा सकते हो, दो दिन तक ख़राब नहीं होती। तो चलिए बोंबिल प्याज की चटनी किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। बोंबिल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सूखे वाले 100 ग्राम बोंबिल ली हूँ। तो देखिए ये इस तरह से ये बोंबिल होते हैं, ड्राई मछली है एक तरह की, इसे बॉम्बे डक भी कहते हैं। तो इसे मैंने पहले से ही साफ़ करके इस तरह से छोटे पीस में कट करके रख ली हूँ। तो देखिए जो मुंडी का भाग होता है ना, इस तरह से मुंडी का जो भाग होता है ना, उसे हमें काट लेना है, और नीचे का जो भाग है उसे भी काट लेना है, और जो बीच का बोंबिल है उसे छोटे टुकड़े में हमें काट कर रख लेना है। तो यहाँ पर पहले से कटे हुए बोंबिल है, तो इसे अच्छी तरह से हम 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। तब इसे साइड में रख देती हूँ मैं, और आगे इसका जो मसाला तैयार करना है तो वो बना लेते हैं। एक लोहे का तवा रखी हूँ मैंने गैस पर, उस पर कुछ मसाले भुनेंगे जिससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए एक पूरी लहसुन की कांडी है, 1/2 इंच काली मिर्च है, और 1 चम्मच साबित धनिया यानी अखा वाला धनिया है, 1 चम्मच जीरा है, और ये ड्राई कोकोनट यानी सूखा नारियल होता है ना, उसका बुरादा है। तो आप चाहे तो इसके जगह पर जो सूखा नारियल होता है ना, वो भी काट कर ले सकते हो। तो तवा मैंने गरम कर ली, उसमें लहसुन की कलियाँ डाल लेंगे। पहले थोड़ा सा लहसुन इसमें ज़्यादा डालेंगे, तो पहले लहसुन को भून लेती हूँ मैं। लोहे के तवे पर कोई भी चीज़ बनाते हैं ना हम, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास लोहे का तवा नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हो। लहसुन यहाँ पर थोड़ा सा भून चुका है, उसमें डालेंगे हम सूखा धनिया, काली मिर्चें। देखिए सभी चीज़ों को भूनने का थोड़ा सा टाइम अलग होता है, इसीलिए मैं अलग से डाल रही हूँ। तो ये ज़ीरा भी डाल देती हूँ, और सूखा नारियल मैंने अभी बचा लिया है, इसे थोड़ा भून लेती हूँ, उसके बाद डालेंगे। ये मसाले भी भून चुके हैं, मसालों की खुशबू आ रही है हल्की सी। तो अब इसमें सूखा खोपरा डाल देते और मिक्स कर लेते। सभी चीज़ें अच्छी तरह से भुन चुकी है, गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते। इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, और पानी डाले बिना ही हमें इसे मिक्सर में पीस लेना है, एकदम बारीक पाउडर की तरह पीस लेना है। ये देखिए चटनी पीस कर तैयार कर लिए मैंने। इसी चटनी की वजह से हमारी बोंबिल की जो चटनी बना रहे हैं ना, तो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाली, इसमें जो सूखा नारियल डाला था ना हमने, उसकी वजह से थोड़ा सा तेल छूटा है, और ये चटनी हमारी थोड़ी सी गीली लग रही है। तो अभी इसे साइड में रख देती हूँ मैं, और चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई रखी हूँ, आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन मैं ये गाँव के स्टाइल में बना रही हूँ ना, इसीलिए लोहे की कढ़ाई रखी हूँ। उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा चटनी में। तो देखिए यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, बारीक कटी हुई। थोड़ी सी प्याज हम इसमें ज़्यादा डालेंगे तो बोंबिल की चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, और वैसे भी हम ये बोंबिल और प्याज की चटनी बना रहे हैं, तो ये प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमें हल्का सा गुलाबी कर लेना है, तो प्याज को पहले 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे फ्राई करेंगे, ताकि प्याज का जो पानी होता है ना वो थोड़ा सूख जाए। बारिश के सीज़न में बोंबिल की चटनी खाने में बहुत ही मज़े की लगती है, तो जिसे मछली फिश वगैरह खाना पसंद है वो लोग तो बोंबिल की चटनी खाते ही होंगे। इस तरह से एक बार बोंबिल की चटनी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, प्याज का हल्का सा पानी सूख गया है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब प्याज को हम हल्का सा सुनहरी होने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज लाल हो रही, वहाँ तक बोंबिल को भी अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो ये नॉर्मल वाला पानी ली हूँ मैंने, आप चाहे तो हल्का सा गर्म पानी भी ले सकते हो बोंबिल को धोने के लिए। किसी किसी को बोंबिल में से स्मेल आती है, तो वो हल्का गर्म पानी करके बोंबिल को धोए। तो 2 से 3 बार इस तरह से मैं अच्छे से रगड़ते हुए बोंबिल को धो लेती हूँ।
बोमिल को मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी से धो ली हूँ और इसे पानी डालकर ही रखी हूँ। अभी ये प्याज हो जाएगी, उसके बाद हम बोमिल फ्राई करेंगे। देखिए प्याज यहाँ पर सुनहरी हो गई हल्की सी और थोड़ी सी प्याज नरम भी हो गई है। इस टाइम पर प्याज को हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। प्याज को हम साइड में रख देते हैं और उसी कढ़ाई में बोमिल को डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी बोमिल को हमने धोकर लिया है इसीलिए इसमें थोड़ा पानी होगा, इसके लिए थोड़ा सा हम इसे ड्राई कर लेते हैं। बोमिल का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया, हमने धोकर लिया था उसमें का पानी सभी अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब इसमें तेल डालेंगे हम। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच तेल ली हूँ मैंने, ये डाल देते और बोमिल को हमें अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बोमिल जब अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं ना तो चटनी में खाने में मज़ा आता है, तो इसे अच्छा सा सुनहरी होने तक फ्राई कर लेते हैं हम तेज़ आंच पर। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने तेज़ आंच पर बोमिल को अच्छी तरह से फ्राई कर ली और बोमिल हमारे एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। इस टाइम पर डालेंगे हम प्याज जो हमने इस तरह से हल्की सी सुनहरी करके रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस की फ्लेम मीडियम कर दी हूँ थोड़ी मैंने, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से और प्याज और बोमिल को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। ये चटनी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। प्याज भी बोमिल के साथ अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच है गरम मसाला, तो कोई भी गरम मसाला हो तो वो डाल सकते हो आप। और साथ ही में जो स्पेशल मसाला पहले हमने तैयार किया था ना, तो वो भी डाल देते। इसे भी अच्छे से मिला देते। मसाले डालकर भी मैंने 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून ली हूँ। अब आप चाहे तो ऐसी सूखी चटनी खाना चाहते हो तो ऐसे ही खा सकते हो। ये हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे हल्का सा सॉफ्ट करूँगी। तो हाथों की मदद से इस तरह से देखिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 गिलास से थोड़ा कम पानी डाली हूँ मैंने इसमें। मिक्स कर देते हैं। और इसे ढक देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर। 1 से 2 मिनट हो गए धीमी आंच पर चटनी को पकते हुए। और माशाल्लाह जो भी मसाले हमने डाले थे वो बोमिल के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। और देखिए कितनी ज़बरदस्त ये चटनी दिख रही है हमारी। तो गैस बंद कर देती हूँ मैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे गेहूँ की रोटी, जवार बाजरी या मकई की रोटी किसी के भी साथ खा सकते हो। तो चलिए ये गाँव की स्टाइल में हमारी बोमिल और प्याज की चटनी बनकर तैयार है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। आज की बोमिल प्याज की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।